गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा 8वीं हिंदी लेखन में अनुच्छेद लेखन पढ़ा रही हूँ। अनुच्छेद को हम इंग्लिश में बोलते हैं पैराग्राफ, तो अनुच्छेद लेखन यानी पैराग्राफ राइटिंग। किसी भी विषय पर, यानी आपको कोई भी सब्जेक्ट दे दिया जाता है, उस सब्जेक्ट के ऊपर आप 80 से लेकर 100 शब्दों में एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुच्छेद लेखन कहते हैं। यह एक प्रकार से एक छोटा निबंध होता है। निबंध में बस हम जो विषय के ऊपर चर्चा है वो डिटेल में करते हैं, और अनुच्छेद लेखन में हम शॉर्टली जो भी हमें बात करनी होती है वो सीधे सीधे हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हमारा अनुच्छेद लेखन में सूर्योदय का एक दृश्य, तो हमें ऐसे बताना है कि सूर्योदय जब हुआ तो उसका दृश्य कैसा है। देखते देखते अंधकार छंटने लगा, पेड़ों पर पक्षियों का कलरव बढ़ चला। मतलब सूर्य उदय हुआ तब क्या हुआ, अंधकार छंट गया, पेड़ों पर पक्षी चहचहाने लगे, कुछ पक्षी चहचहाते हुए आकाश में इधर से उधर उड़ चले। कुछ ही क्षणों में पूर्व का आकाश लाल, पीले, नीले, गुलाबी और बैंगनी रंगों से चमचमा उठा। इन रंगों में लाल पीले रंगों की प्रधानता थी। शीतल हवा की गति कुछ अधिक तेज हो गई, दिशाएं अधिक उज्जवल हो गई, उज्जवल यानी साफ और प्रकाशित हो गई। सहसा वृक्षों के पीछे से सूर्य का गहरा लाल गोला दहक उठा। उस गोले में लालिमा तो थी परंतु गर्मी नहीं थी। गर्मी कब आती है, दोपहर के समय होती है। तो सूर्य उदय, जब सूर्य उदय होता है तब की लालिमा का वर्णन हमें यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है कि उस समय लालिमा तो थी पर गर्मी नहीं थी। कुछ ही क्षणों में सूरज लाल पीले बादलों को पार करता हुआ पेड़ों की चोटियों पर आ गया। सर्वत्र हल्की गुलाबी धूप फैल गई। मैं मार्च की इस विमुग्धकारी भोर के सौंदर्य को दोनों आंखों से पी रहा था। लग रहा था जैसे ऐसा सुहाना भोर काल मैंने पहली बार देखा हो। तो मार्च के महीने की बात ये चल रही है, तो आपको इस तरीके से, मतलब छोटे से छोटे तरीके से इसका वर्णन अपने को करना है, जितना शॉर्ट हो सके इसका वर्णन हमें करना है। नेक्स्ट देखिए, वसंत का सौंदर्य। तो अगर आपको कोई कविता की पंक्तियां या ऐसे कुछ भी आता है तो आप लिख सकते हैं, ताकि थोड़ा अनुच्छेद और भी ज्यादा अच्छा लगने लग जाए। भर जाए मस्ती ही मस्ती तन मन में, आ जाए ऋतुराज अगर तू मधुबन में। ऋतुराज यानी बसंत पंचमी कब आती है, फाल्गुन और चैत्र के महीनों में ऋतुराज वसंत का सौंदर्य देखते ही बनता है। फागुन यानी होली के आसपास और चैत्र के महीनों में बसंत का सौंदर्य वो देखते ही बनता है। माघ की गुलाबी सर्दियों के बीतते बीतते चारों ओर प्रकृति के मन प्राणों में रूप रंग और गंध का संचार हो उठता है। हरा घाघरा और पीली चुनर पहने सरसों के लहलाते हरे पीले खेत मन और प्राणों को विभोर कर देते हैं। उपवनों में रंग बिरंगे फूलों की बहार आ जाती है। वृक्षों के चिकने चिकने कोमल पत्ते हिल हिल कर ऋतुराज वसंत का अभिनंदन करते हैं। दक्षिणी हवा के चंचल मंदिर झोंके हर किसी के प्राणों में नया उत्साह जगाते हैं। लगता है जैसे सारी प्रकृति ऋतुराज वसंत का स्वागत करने के लिए सज धज कर तैयार हो गई है। इन्हीं दिनों रागरम का उत्साह लेकर होली का पर्व भी आ जाता है। वसंत की मस्ती अपने यौवन पर आ जाती है। लोग पिचकारियों में रंग भर भर कर एक दूसरे की तरफ फेंकते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं तथा एक दूसरे को प्रेम सहित गले मिलाकर होली की बधाइयां देते हैं। इसी तरीके से देखिए हमारी नदियां, और हम तो इसमें हमें नदियों के बारे में बताना है कि जिस प्रकार हमारे शरीर में रक्त का संचार होता है और रक्त का संचार होने से हमें जीवन की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार जल के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। इसलिए मनुष्य ने अपनी बस्तियां वहां वहां बसाई है जहां नदियां थी, जल के भंडार थे। भारत में नदियों को किसकी तरह पूजा जाता है, माँ की तरह। गंगा को मैया भी कहा जाता है, और हमारे अधिकतर तीर्थ स्थल है या पर्यटन स्थल है वो कहाँ पर बसे हुए, नदियों के किनारे बसे हुए हैं। फिर आप ये बताना कि आजकल के जो नदियों की दशा है वो बहुत ही चिंताजनक हो गई है। हरिद्वार में बहने वाली गंगा का पानी पीने योग्य नहीं रहा, नहाने योग्य भी नहीं रहा। दिल्ली की यमुना का जल तो देखने योग्य भी नहीं रहा। इनके किनारे इतना कूड़ा कचरा और गंदगी जमा है कि घिन आती है। उद्योगपतियों ने अपनी फैक्ट्रियों से निकलने वाला दूषित जल इन पवित्र नदियों में छोड़ना शुरू कर दिया है।
चिंता की बात तो यह है कि यह सब सरकार की नाक के नीचे खुले आसमान में हो रहा है। अब जब गंगा मैली हो गई है, हम हजारों करोड़ रुपए खर्च करके उसकी सफाई में जुट गए हैं। पहले गंदा करें, फिर सफाई के लिए नाटक करें। हमें इससे बचना चाहिए। यह हमारी माँ के वक्ष को गंदा करना है, उसके दूध को लजाना है। तो इस तरीके से अपने लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय की महिमा का वर्णन करना है, परिश्रम का वर्णन, परोपकार का वर्णन आपको करना है, विज्ञापन, विज्ञापन के बारे में आप बताओगे कि व्यापार और विज्ञापन का चोली दामन का साथ है। व्यापार जहां जहां अपने पांव पसारता है, वहां वहां पहले विज्ञापन की सेनाओं को भेज देता है। मतलब कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो उससे पहले वो क्या देता है, एड देता है, विज्ञापन देता है। तो विज्ञापन की सेना यानी विज्ञापन को पहले भेज देता है वो। तो विज्ञापन व्यापार को बढ़ाने के लिए खूब प्रचार प्रसार करते हैं। विज्ञापनों का मुख्य काम है वस्तुओं के बारे में जानकारी देना, परंतु आजकल के विज्ञापन जानकारी देने के बजाय उसके बारे में झूठा आकर्षण पैदा करते हैं। वे दर्शकों को यह नहीं बताते कि किस चीज में क्या गुण है। विज्ञापनकर्ता विज्ञापन के महत्व के बताने के साथ साथ आपको उसकी थोड़ी बुराई भी बतानी है कि विज्ञापन में क्या अवगुण है, वो आपको साथ साथ में बताने हैं कि लोगों को भ्रमित किया जाता है, ये एक प्रकार की धोखेबाजी है। देखने में आता है कि लोग भी ऐसे विज्ञापनों को पसंद करते हैं, तभी तो उन्हें देखकर व्यापार बढ़ता जाता है। इस बारे में सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए कि ऐसे भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगानी चाहिए। अब नेक्स्ट आपको बताना है मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन में आपको पहले तो इसके सदुपयोग बताना है कि मोबाइल फोन के आने से हमारा जीवन है वो उसमें काफी परिवर्तन आया है। शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से बात कर सकते हैं। वो सारी आपको बताना है कि चलते फिरते करोड़ों लाखों का लेन देन भी हम मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। इससे चोरी होने का डर खत्म हो गया। यानी जैसे पहले हम रुपए लेके जाते थे, कहीं चोर उचक्कों का डर रहता था, पर आजकल फोन में ऐसे सिस्टम हो गए, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, तो इनके माध्यम से हम घर बैठे जिस किसी को भी रुपए भेजना होता है हम रुपए भेज सकते हैं। तो इस तरीके से पहले इसके महत्व को हमें बताना है, और फिर महत्व बताने के बाद में हमें क्या बताना है इसके बारे में, इसकी बुराइयां भी बतानी है कि आजकल के बच्चे हैं वो मोबाइल के अत्यधिक उपयोग के कारण है वो नए नए तरीके के जो गेम्स होते हैं जो उनको डाउनलोड कर लेते हैं, और उसकी वजह से उनके बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इस तरीके से आपको बताना है कि इसके कारण स्कूल और कॉलेजों में भी मोबाइल का प्रयोग लोग बहुत बड़ी मात्रा में करने लग गए, और जो गलत वेबसाइट्स हैं उनको देखते हैं। इस तरीके से आपको मोबाइल के सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों के बारे में वार्तालाप करनी होगी। बरसात का दुख, तो बरसात में आपको बताना है बरसात एक वरदान है, पर तो कई कई बार यह अभिशाप भी सिद्ध हो सकती है। फिर आपको बताना है कि क्या क्या कई बार बरसात की स्थिति अधिक होने की वजह से क्या हो जाता है, घर के घर और गांव के गांव है वो डूब जाते हैं, बिजली और टेलीफोन के तारों की सुविधाएं बाधित हो जाती है, जगह जगह कीचड़ और बीमारियां पैदा होने लग जाती हैं, स्कूल बंद, कॉलेज बंद होने के कारण पढ़ाई पे भी बुरा असर पड़ता है। ऐसे वरदान से लगने वाली बरसात अति के कारण अभिशाप प्रतीत होने लगती है। तो इसमें आप ये भी उदाहरण दे सकते हो, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। और ये देखिए ये भी लिखा हुआ है, यो दशरथ को राम है बारिश, राधा को घनश्याम है बारिश, पर जो डूबे रोकर बोले हाय हाय कोहराम है बारिश। सत्य संगति, इसमें आपको बताया गया अच्छे लोगों की संगति, सत्य यानी अच्छे, संगति यानी अच्छे लोगों का साथ ना, तो इस तरीके से आपको इसको लिखना होगा। मन के हारे हार है मन के जीते जीत, यहाँ पर मन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित विषयों पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए, ये हमें हमारे स्तर पर करना होगा। थोड़ा सा हम इसका वार्तालाप करके इसको देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, अर्थात व्यक्ति है वो अपने कार्य के कर्म ही भोगता है, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमें उसका परिणाम भी अच्छा ही प्राप्त होगा, और अगर हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो उसका परिणाम भी हमें भोगना ही पड़ता है।
इसलिए व्यक्ति को अपने कर्मों की तरफ सदैव ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमें हमें हमेशा हमें अपने करने की ही सजा मिलती है। जिस प्रकार हम अपने माता पिता के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, ठीक उसी प्रकार हमारे बच्चे भी हमारे साथ व्यवहार करेंगे। इसलिए जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। अगर हम अच्छा अपने माता पिता का सम्मान करेंगे तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो भी हमारा सम्मान करेगी। अगर हम उनके साथ सही व्यवहार नहीं करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी भी सम्मान और आदर करना भूल जाएगी। तो इस तरीके से आपको इसको लिखना है। जीवन में व्यायाम के महत्व है या बता सकते हूँ। नर हो न निराश करो मन को, इसमें आपको बताना है कि नर हो न निराश करो मन को। इसमें हमें ये बताया गया है कि हम नर हैं, हम मनुष्य हैं, इसलिए हमें अपने मन को कभी भी निराश नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी कार्य में असफल हो जाते हैं तो हमारे मन को न निराश करके हमें उस कार्य में लग जाना चाहिए, एक सांस में जुट जाना चाहिए, ताकि हम उस कार्य में आगे बढ़ सके। और अगर हम निराश करके यूं ही बीच रास्ते में बैठ जाएंगे तो हम कभी भी अपने कार्य में उन्नति और प्रगति नहीं कर पाएंगे। अगर हमें उन्नति करना है तो हमें सदैव निराशा को छोड़कर आशा यानी मन में आशा का संचार करना चाहिए। इसलिए हमें कहा गया है कि नर हो न निराश करो मन को। नेक्स्ट देखिए, श्रम का महत्व है ये आप बता सकते हो। श्रम का महत्व है जीवन में कंप्यूटर की उपयोगिता भी आप बता सकते हो। एक और एक ग्यारह होते हैं, तो इसमें आप बताइए एक और एक ग्यारह होते हैं अर्थात संगठन में सदैव शक्ति होती है। यदि किसी कार्य को हम एक जना करते हैं तो वह कार्य उस व्यक्ति के लिए बहुत भारी पड़ता है। यही कार्य अगर हम एक से अधिक लोग संगठित होकर ग्रुप में अगर कोई कार्य संगठन में कोई कार्य अगर करते हैं तो वह कार्य हमेशा सही और तरीके से होता है, और सबसे ज्यादा अच्छा है कि वह समय से हो सकता है। वही सब जने मिलकर कार्य करेंगे तो वो कार्य समय से संपन्न हो जाएगा और कार्य भी उन्नत होगा, उसमें गुणवत्ता आएगी कार्य में। इसलिए कहा गया है कि एक और एक ग्यारह होते हैं। अगर सभी व्यक्ति संगठित होकर साथ में रहेंगे तो दूसरा कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि संगठन में सदैव शक्ति होती है। असंगठित व्यक्तियों को लोग सदैव तोड़ने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से आपको अपने शब्दों को इसमें लिखना है। नेक्स्ट देखिए, मेरे जीवन का लक्ष्य या बता सकते हो। मेरा देश महान ये भी आप बता सकते हो। आदर्श विद्यार्थी ये भी आप इसका वर्णन कर सकते हो। भारतीय किसान आप देखते हो आए दिन किसानों की, पहले तो किसान के बारे में बताइए कि हमारा अन्नदाता होता है किसान। वह दिन भर मेहनत करके खेतों में काम करके जो फसलें उगाता है उससे हमारा भरण पोषण होता है, और इसके बदले में उसको बहुत कम रुपयों की आमदनी होती है। उसकी स्थिति फिर भी वैसी की वैसी ही रहती है। और किसान है वो दिन भर अपने शरीर की परवाह न करके लगा रहता है, इसलिए किसान को अन्नपूर्णा का रूप माना गया है। तो अन्नपूर्णा कौन है, तो जो हमारे अन्न को पूरित करती है, तो किसान को अन्नपूर्णा का रूप भी माना गया है। इसके बाद में आप विद्यार्थी जीवन के बारे में बताएंगे कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है, विद्यार्थी जीवन में हमें कौन कौन से कार्य करना चाहिए, कैसे हमें सबके साथ सदाचारपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, वो चीजें आप बताओगे। नेक्स्ट देखिए, जीवन में खेल कूद का महत्व है। जीवन में खेल कूद की क्या इम्पोर्टेंस है, जीवन में खेल कूद क्यों आवश्यक है, उसके लिए भी आपको बताना है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हम प्रत्येक कार्य अच्छे से संपन्न कर पाएंगे। और जीवन में खेल कूद का महत्व है अधिक है। खेल कूद से हमारे शरीर की व्यायाम होता है, कसरत होती है। कई खेल कूद तो ऐसे हैं जो हमारे देश को आगे बढ़ाने में, हमारे देश को स्वर्ण पदक और दिलवाने में आगे बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जीवन में खेल कूद का अत्यंत महत्व है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अनुच्छेद करना होगा। तो आज ये अनुच्छेद का टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पत्र।